फाइव से डिविजिबल कब होगा, जब वंस की डिजिट फाइव या जीरो
जीरो होगी, या तो फाइव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज फाइव से भी डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय फाइव। क्यों नहीं है? बिकॉज वंस की डिजिट क्या है? इवन डिजिट है, ना तो जीरो है और ना ही फाइव। सेवन से देखिए, सेवन से कैसे करेंगे? वंस की डिजिट को डबल करके बाकी के डिजिट से जो नंबर बन रहा है, वंस की डिजिट क्या है? फोर, और बाकी के डिजिट से क्या बन रहा है? फोर्टीन। फोर टू सा एट, एट को फोर्टीन में से सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? देखिए, फोर टू सा एट और फोर्टीन माइनस एट करोगे तो कितना आता है? सिक्स। और सिक्स सेवन से डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? नॉट डिविजिबल बाय सेवन, नॉट डिविजिबल बाय सेवन। ये सेवन के हमने चेक कर लिया। इलेवन से चेक करने के लिए देखिए, इसके इवन और ऑड का टोटल जीरो होना चाहिए। तो देखिए, इवन पोजीशन पर फोर है और ऑड पोजीशन पर यानी फोर और वन है, फोर और वन फाइव, फाइव माइनस फोर कितना आ गया? वन, और ये इलेवन नहीं है या जीरो नहीं है, तो ये इलेवन से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 11। तो देखिए, सेवन से भी डिविजिबल नहीं है, इलेवन से भी डिविजिबल नहीं है, फाइव से भी डिविजिबल नहीं है, टू से डिविजिबल है और थ्री से डिविजिबल है। देखिए नेक्स्ट है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिविजन मेथड। 63 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो मैं यहां पर निकालता हूं। देखिए, 63 का प्राइम फैक्टर इस तरीके से, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का आप देखिए, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 टू जार 6, 3 वन जार 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 सेवन जार 21, और फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 वन जार 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 3, 3, 7, ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके प्राइम फैक्टर देखिए, 3, 3 और 7 है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? हम सबका एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे? देखिए, 42, 63 और 105। अब इसमें एक ऐसे नंबर का आप दीजिए या ऐसे नंबर से इसको डिवाइड कीजिए जो इन सबको डिवाइड कर सके। देखिए, 2 केवल इसको डिवाइड करेगा, 3 देखिए इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहां पर 14 और 21 और 35। अब देखिए, एक ऐसा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर सके, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा?
14, 2 से डिवाइड हो सकता है, 7 से हो सकता है 21, 7 से हो सकता है और 35 भी 7 से हो सकता है, तो ये कितना जाएगा, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 और 7 5 जार 35। अगर ये 2 और 3 और 5 एक ऐसे नंबर आ गए हैं जिनको कोई भी एक कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, HCF इक्वल टू 3 × 7 यानी 21, ये इसका HCF। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम देखिए किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, 513 को डिवाइड किया 405 से, वन टाइम डिवाइड होगा क्योंकि टू टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 405 कितना बचेगा, देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहां 0 और यहां 1। हम 405 को डिविडेंड बनाकर इसे डिवाइड करेंगे इससे 108 से, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, देखिए 3 टाइम्स, 3 × 8 = 24 और 3 × 3। अब फिर हमारे पास बच जाएगा देखिए कितना, 1, 40 में से 32 करेंगे तो कितना बचेगा, 81 बच गया। फिर से हम 108 को डिवाइड करते हैं, देखिए कितनी बार होगा, 1 टाइम 81 और कितना बचेगा हमारे पास, 19 और 8 3 27 बच गया। अब फिर देखिए 81 को फिर से डिवाइड करेंगे 27 से तो कितने टाइम से आएगा, 3 टाइम्स, तो हमारे पास इन दो का एक फैक्टर आ गया। 405 और 513 का हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया 27। अभी 27 इसका भी कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 524 डिवाइड बाय 27, 2 टाइम्स जाएगा, देखिए 27 × 24, जब आप इसको घटाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 5, 4 को मैंने शिफ्ट किया, 27 × 50, तो हमारा HCF कितना आ गया, 27, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन है, देयर आर 154, 126 और 112 स्टूडेंट इन क्लास 3rd, 4th and 5th ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल है जिसकी 3rd क्लास में 154, 4th क्लास में 126 और 5th क्लास में 112 स्टूडेंट हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी मेड टू स्टैंड इन रो हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच। हमें स्टूडेंट्स की वो नंबर या स्टूडेंट्स की वो संख्या निकालनी है जो अगर वो रो बनाए, अगर वो लाइन बनाकर खड़े हो तो सभी लाइनों में बराबर बराबर स्टूडेंट्स आए, सभी लाइनों में बराबर स्टूडेंट्स आए। अगर वो 5 लाइनें बनाए तो 5 लाइनों में बराबर स्टूडेंट आए, अगर वो 10 लाइन बनाते हैं तो 10 लाइन में इक्वल स्टूडेंट्स हों, तो हमको ये करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो
जीरो इक्वल टू एच सी एफ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास. इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ. एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए 154 है और 112 है और 126 है. आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो. देखिए जैसे मैं डिवीजन मेथड से निकाल देता हूं, 126 का डिवाइड करो आप 154 में, या 154 को डिवाइड करो 126 से. देखिए फर्स्ट टाइम होगा 126, जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 28 से फिर डिवाइड कीजिए 126 को, कितनी बार जाएगा, देखिए 4 times, 5 times ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 4 times डिवाइड करते हैं. देखिए 4 8s are 32, 4 2s are 8, 8 3 11, कितना हो गया हमारे पास 112. 126 में से 112 को घटाएंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 14. अब इस 28 को फिर से डिवाइड कीजिए 14 से, 14 2s are 28. तो हमारे पास इन दो नंबर्स का 126 और 154 का एचसीएफ कितना आया 14. अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 112 को, क्या ये 14 से डिवाइड होता है. देखिए 14 का टेबल जब आप 8 टाइम बोलते हैं तो 112 आता है, तो ये 14 से डिवाइड है. इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 14. ये इसका एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा 14. तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना हो जाएगा 14. कितना हो जाएगा 14, आप क्या लिख सकते हैं 14 स्टूडेंट्स. तो ये इस क्वेश्चन इस तरीके से होगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन पैटर्न. प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इसका एलसीएम निकालना है. तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 20 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए 2 2s are 4, 5 are 20. फिर 25 का कीजिए, देखिए 5 into 5, 5 are 25. और फिर 30 का कीजिए, देखिए 2 3s are 6, 5 are 30. तो हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है सबसे पहले हम उसको लेंगे एलसीएम. देखिए सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है 1 2 3, यानी हम 5 5 और 5, सबसे पहले हमने 5 लिए जो तीनों में कॉमन है. उसके बाद हम वो लेंगे जो दो में कॉमन है, ये 2 और ये 2. उसके बाद जो सिंगल सिंगल है, यानी
अब जो कॉमन नहीं बचे हैं हम उन सबको ले लेंगे, यानी इस 2 को भी लिया, इस 5 को भी लिया और इस 3 को भी लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए, 5 2 10, 5 2 10, 10 3 30, 30 10 3 100। इस तरीके से हम इसका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए 20, 25 और 30। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 10 20, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा और 30 डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड किया इसको, देखिए 2 5 10, 25 15 नहीं होगा 2 से, फिर 3 से डिवाइड किया, देखिए 5 25 और 5 15। अब 5 से डिवाइड करके देखिए 5 5 5 5 5 25 और 5 5, और फिर से इसको 5 से डिवाइड किया 5 5। तो देखिए हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, 2 2 3 5 और 5, 2 2 3 5 और 5। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 3 12 12 5 60 65 300, तो ये एलसीएम इस तरीके से आएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप चाहे इसको ऐसे करें या ऐसे करें। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच 1 डिवाइडेड बाई 20, 24 एंड 32 लीव्स 5 एज रिमाइंडर। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको 20, 24 और 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे, 5। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनका एक एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, देखिए 20, 24 और 32। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका एलसीएम, देखिए 2 10 20, 12 2 34 और 16 2 32, फिर 2 से डिवाइड किया, देखिए 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया इसको, 5 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 4 8। तो देखिए 5, 3 और 4 हमारे पास अलग अलग आ गए हैं, चाहो तो आप इसको फिर 2 से 2 बार डिवाइड कर सकते हो 4 को, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हो 3 को, 5 से डिवाइड कर सकते हो 5। लेकिन अब कोई भी कॉमन ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर सके, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 16 इसका मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए किया तो कितना आया 480। तो एलसीएम कितना आया 480 आया। 480 क्या है, इनका कॉमन मल्टीपल है, 20 का कॉमन मल्टीपल है, 24 का भी कॉमन मल्टीपल है और 32 का भी कॉमन मल्टीपल है, यानी 480 20 से भी डिवाइड हो सकता है, 24 से भी डिवाइड हो सकता है और 32 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 5 रिमाइंडर बचता है, सो हम क्या करेंगे, 480 प्लस 5 इक्वल टू 485। नंबर क्या आ गया, कितना आ गया 485।
अब 485 को देख लीजिए आप किसी से भी, जैसे मैंने ये क्या किया 485 को डिवाइड कर दिया, देखिए 20 से 22 40, 8 बचिया, 5 को मैंने शिफ्ट किया 24 80, और ये 5 रिमाइंडर, ये मैंने चेक करके दिखा दिया है आपको कि 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम है और 11th क्वेश्चन सोनिया मेक्स हीप्स, यानी जो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम का सोफिया मेक्स हीप वाला क्वेश्चन करा चुका हूं, यानी वर्ड प्रॉब्लम का एक्टिविटी एस का मैं जी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, सेम उसी तरीके से ये 11th क्वेश्चन है और आर एक्टिविटी का जो एफ क्वेश्चन दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन यहां पर इसे दिया हुआ है, तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मेंटल मैथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पीएसए देखेंगे, तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।